महाभारत समाप्त होने के बाद जो परिस्थितियां खड़ी हुई, उन परिस्थितियों में से एक दृष्टांत आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। बात है अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। महाराज जन्मेजय एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड में दुनिया के अलग अलग सांप आकर के गिर के जल कर भस्म हो रहे थे। अचानक महाराजा जन्मेजय की दृष्टि भगवान इंद्र के सिंहासन पर पड़ी, जो धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ बढ़ती जा रही थी और हवन कुंड में गिरकर शायद वो भी जलकर भस्म होने की तैयारी में थे। महाराजा जन्मेजय ने तुरंत यज्ञ बीच में रोक करके और प्रार्थना किया कि यह सिंहासन इस हवन कुंड में न आए। तब तक सिंहासन के पाए में लटका हुआ, पाया मतलब पांव, पाए में से लटकता हुआ एक तक्षक नाग बोला कि राजा जन्मेजय, यदि आप यह यज्ञ करेंगे तो सभी सांपों को आके इस यज्ञ के हवन कुंड में गिरना ही होगा, क्योंकि मैं भी एक नाग हूं तो मुझे भी गिरना है और मैंने सिंहासन को पकड़ रखा है तो मेरे साथ सिंहासन भी आना ही आना है। राजा जन्मेजय ने कहा, जब तुम्हारी और हमारी शत्रुता है, यह शत्रुता हमारे कुल और नागों के बीच में है, तो इसमें इंद्रासन बीच में क्यों? अन यहाँ पर तक्षक जवाब देता है और ये जवाब हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तक्षक कहता है कि हे राजा जन्मेजय, आपके दादा के पिताजी अर्जुन, जब उनको खांडवा का जो इलाका दिया गया, जंगलों का इलाका दिया गया, जब हस्तिनापुर का विभाजन हुआ था कि आप जाकर अपने इंद्रप्रस्थ वहाँ पर बनाएं और आप वहाँ पर बस जाएं, उस समय अर्जुन ने उस पूरे इलाके को, उस पूरे क्षेत्र को अपने वाणों से जलाकर भस्म कर दिया था ताकि वहाँ पे इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर सके। लेकिन चाहे अनचाहे उनको ये ज्ञात रहा या नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे कुल का नाश कर दिया। वो पूरा क्षेत्र नागवंश का था, नागों का था। तभी हमारे पूर्वजों ने ये निश्चय किया था कि हम अर्जुन से बदला लेंगे। महाभारत के समय में हमने प्रयत्न किया, हमने अनेकों बार प्रयत्न किया, लेकिन हम अर्जुन से बदला ना ले पाए। हम बदला लेना चाहते थे कि हम उनकी संतानों से बदला लें, पर अभिमन्यु की उम्र 16-17 साल से ज़्यादा ना रही और वो महाभारत में मारे गए। इसीलिए हमको जब मौका मिला तो हमने राजा परीक्षित को डस करके हमारे पूर्वजों का जो संहार किया गया था उसका बदला लिया। जो भूल आपके दादा के पिता अर्जुन ने किया था, वही भूल आप भी करने जा रहे हैं और वो है आप वापस नागों का सर्वनाश कर रहे हैं। हो सकता है चाहे अनचाहे भूल से भी यदि कोई भी नाग बच गया तो वापस वो इस तरह का निर्णय लेगा और वापस आपके परिवार में कोई परीक्षित पैदा होगा और वो इस बदले की भावना में मृत्यु को प्राप्त करेगा। राजा जन्मेजय, बदला लेना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, यह एक टेम्प्रेरी थॉट प्रोसेस है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी विचार को तब तक ही अपने मन मस्तिष्क में रखें जब तक वो कंस्ट्रक्टिव हो, समाज के विकास में हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति स्थापित करने वाला हो। यदि मेरे विचार से, यदि मेरे कर्म से, यदि मेरे एक्शन से लोगों का नुकसान है, समाज का नुकसान है, हमें उस कार्य को अवॉइड करना चाहिए। एक लंबे अंतराल के लिए मानव समाज की व्यवस्था को ध्यान में रख करके व्यक्ति को अपना जीवन प्लान करना चाहिए। हम अधिकतर समय छोटी छोटे रिवेंज की भावनाओं से, कंपटीशन में और अनवांटेड डॉग इट डॉग सिचुएशन में एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं, अपना और दूसरों के
भविष्य को हम बर्बाद करते रहते हैं। आइए हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ें, एक दूसरे के जीवन में शांति स्थापित करने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। एक दूसरे के विकास में ही हम सबका विकास है। धन्यवाद।